नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, डीजी स्कूल के तहत हम आठवीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय का इतिहास का हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इतिहास विषय के अंतर्गत आपका जो चौथा अध्याय है, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, एक बात आपको याद रखना है कि उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज जो चैप्टर है, वो आपके पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ संख्या 44 से लेकर 56 तक में है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए सभी बच्चों, आप लोग अपने पेज नंबर 44 यानी 44 को खोल लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इस उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज का जो वीडियो जो मैं बनाऊंगा, इसमें कुल 5 वीडियो होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस रणनीति को समझ लेना जरूरी है कि इस चैप्टर में कुल कितने वीडियो होंगे और इसका अध्ययन हमको कैसे करना है। तो इसमें कुल 5, याद रखिएगा कि इसमें हम लोग कुल 5 वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। जो 3 वीडियो होंगे, वो 3 वीडियो पाठ्य विषय से संबंधित होंगे और बाकी का जो 2 वीडियो होगा वह आपके प्रश्नोत्तर से संबंधित होगा, जिसमें कुछ MCQ प्रश्न होंगे और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे भारत का एक मानचित्र बना हुआ है। उस मानचित्र के ऊपर जो आपका चैप्टर है, उसका नाम मैंने लिखा है। पुनः आप देख सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उपनिवेशवाद क्या होता है और आदिवासी समाज क्या होता है। तो हम लोग एक एक करके शुरुआत करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आप इस शब्द को अपने अभ्यास पुस्तिका में, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उपनिवेशवाद, ठीक है। तो उपनिवेशवाद को समझने से पहले स्टूडेंट्स, हम लोगों को उपनिवेश के बारे में समझना होगा कि उपनिवेश क्या है। स्टूडेंट्स, उपनिवेश को अंग्रेजी में कॉलोनी कहा जाता है, ठीक है। और उपनिवेशवाद को हम लोग कहते हैं कोलोनियलिज्म, ठीक है। तो जो यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश जो विगत शताब्दियों में, वो 17वीं शताब्दी थी, 18वीं शताब्दी थी, 19वीं थी, 20वीं शताब्दी में भी, तो इसमें विशेष करके फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल और स्पेन, ये 4 देश, और कई अर्थों में तो जर्मनी भी, है ना। तो इन देशों ने क्या किया था, ये काफी पावरफुल देश थे, ये काफी शक्तिशाली देश थे, और ये जो देश थे, इन्होंने एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देशों पे अपना वर्चस्व कायम कर लिया, और वर्चस्व कायम करके इन लोगों ने वहां पे अपनी सत्ता कायम कर ली और अपना राज्य कायम कर लिया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जब उन्होंने इन देशों पे अपना राज्य कायम कर लिया, तो वहाँ की जो संपत्ति थी, वहाँ की जो परिसंपदा थी, उसका उपयोग अपने देश के उपयोग के लिए करने लगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन की बागडोर जो है किसी दूसरे देश के हाथ में हो, और वह देश अपने हक में काम करे, जिस देश पर वो शासन कर रहा है वहाँ की प्रजा के बारे में वो बिल्कुल ना सोचे, वहाँ की संपत्ति का दोहन करे, वहाँ की परिसंपत्तियों का खुद के स्वार्थ के लिए उपयोग करे, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार का जो कार्य है, इसको हम लोग कहते हैं उपनिवेशवाद, ठीक है। तो कॉलोनियलिज्म जो है स्टूडेंट्स, ये इतिहास का एक बहुत स्याह, एक काला अध्याय है, और इसके बारे में हम लोग को जानकारी होना ही चाहिए। तो उपनिवेशवाद जो है, इससे काफ़ी बहुत सारे देश पीड़ित हुए, और पीड़ित होने वालों में भारत भी था, और विशेष करके आदिवासी समाज तो इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित हुआ है स्टूडेंट्स।
उपनिवेशवाद आप मुझे लगता है जरूर समझ गए होंगे। अब मैं आपको आदिवासी समाज के बारे में बताता हूँ। स्टूडेंट्स, अब चलिए अब इस भारत के नक्शे को देखिए। इस भारत के नक्शे में स्टूडेंट्स, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, बहुत सारे आदिवासी जातियों का नाम यहाँ लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार जब कुल आदिवासियों की संख्या के बारे में जब पता किया गया तो हम देखते हैं कि 550 से भी अधिक प्रकार के आदिवासी भारत में रहते हैं, ठीक है। और जहाँ तक लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है, वो अभी आपको पता है कि 545 है, तो उस 545 में जो 47 यानी 47 जो मेंबर होते हैं, यही आदिवासी समुदाय के होते हैं जिनके लिए सीट जो है वो सुरक्षित होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जानकारी की चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। और आपको स्टूडेंट्स ये भी पता होना चाहिए कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 11-12% आदिवासियों की जनसंख्या इस देश में है। तो स्टूडेंट्स, भारत की जनसंख्या में और यहाँ के समाज में, यहाँ के सोसाइटी में इन आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। और सच पूछिए तो समूचे भारत में, अब देखिए यहाँ बहुत सारी जातियों का नाम दर्ज है। यदि हम पूर्वोत्तर में देखें तो वहाँ नागा हैं जो नागालैंड में है, खासी हैं जो मेघालय में है। यदि हम लोग बंगाल, उड़ीसा और झारखंड वाले क्षेत्र में देखें तो वहाँ संथाल हैं, मुंडा हैं, हो हैं, उगांव हैं, ठीक है। यदि हम लोग आंध्र प्रदेश और आपको और दक्षिण के राज्यों में देखें तो वहाँ कोया बंजारा है। यदि महाराष्ट्र में देखें तो वहाँ बंजारा जाति है। उसी तरह से आपको राजस्थान क्षेत्र में और मध्य प्रदेश क्षेत्र में भील जनजाति है। उत्तराखंड में भोटिया जनजाति है। यदि सुदूर उत्तर में हम लोग देखें, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे वन गुज्जर जाति है। तो ये आदिवासी जातियाँ जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ के समाज के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैं एक बात और आपको बता दूँ कि ये आदिवासी जातियाँ जो हैं वो ज़्यादातर वन में निवास करते हैं। ये ऐसे क्षेत्रों में निवास करते हैं जहाँ वन पर्याप्त संख्या में हैं, और वन यदि पर्याप्त हैं तो इन्हीं आदिवासियों के चलते हैं स्टूडेंट्स। और एक बात याद रखिएगा कि आदिवासियों की जो परंपरा है और जो रहन सहन है, जो इनकी संस्कृति है, वो सीधे सीधे वन से जुड़ी हुई है, फॉरेस्ट से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये बहुत सादगी पसंद लोग होते हैं जिनकी आवश्यकताएं बहुत कम होती है। ये लोग सहज सीधे लोग होते हैं। इन लोगों को दूसरे लोग जो हैं बेवकूफ़ बना देते हैं, मूर्ख बना देते हैं। इनकी संपत्ति, इनकी जो भूमि है उस पर कब्जा लेते हैं, लेकिन ये किसी का कोई अहित नहीं करते। लेकिन स्टूडेंट्स, जब कभी भी इन पर जो है विपत्ति आई है, जब इनके ऊपर में इस तरह की समस्या आई कि इन लोगों ने जो है इस देश को में, जब इनको लगा कि विदेशी शक्तियां इस देश पे हावी हो गई हैं, तो उस परिस्थिति में ये जो है संघर्ष भी अपनाए हैं। और विशेष करके झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यदि हम लोग देखें तो 1831-32 में ही कोल विद्रोह हो गया था, 1855 में संथाल विद्रोह हुआ, और इसी तरह से स्टूडेंट्स बहुत सारे विद्रोह जो हैं उन इन आदिवासियों के द्वारा हुए हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो जिस नक्शे की मैं बात कर रहा था, ये नक्शा जो पहले मैंने हाथ से ड्रॉ किया हुआ था, लेकिन अभी देखिए वही नक्शा जो है आपके सामने, जो आपके पाठ्य पुस्तक में, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जब आदिवासी समाज समुदाय के बारे में जब अध्ययन करना होता है, तो ये स्वाभाविक बात है कि आदिवासी समुदाय का अध्ययन कोई साधारण काम नहीं है। जब मैंने आपको बताया कि 550 प्रकार के आदिवासी हैं स्टूडेंट्स, यहाँ ना सिर्फ आदिवासी हैं बल्कि यहाँ पे आदिम जनजाति के लोग भी हैं, यहाँ पर मतलब समूचे भारत में स्टूडेंट्स, है ना। यदि आप चले जाएं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, तो वहाँ भी आदिम जनजाति के लोग हैं, माने प्रिमिटिव ट्राइब के लोग हैं। ये प्रिमिटिव ट्राइब क्या होता है स्टूडेंट्स? ये प्रिमिटिव ट्राइब तो सोचिए कि आदिवासियों से भी पुराने आदिवासी होते हैं स्टूडेंट्स, और ये लोग अपनी परंपरा को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। ये लोग आज भी पत्तों के घर में रहना पसंद करते हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि पत्तों का ऐसा घर जिसमें कि मूसलाधार सावन भादों के मौसम में स्टूडेंट्स पानी की एक बूंद तक इनके घर में नहीं प्रवेश करती। तो आप सोच लीजिए, आप पक्की ईंटों का घर बनाते हैं ना,
और उन पक्की ईंटों के घर में पानी प्रवेश कर जाता है, लेकिन इनके पत्तों के घर में पानी प्रवेश नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी मूलतः मैं आपको झारखंड के आदिवासी समुदाय के बारे में तो बताऊंगा ही, विशेष करके मैं बिरसा मुंडा के बारे में बताऊंगा और इसके बाद संथाल विद्रोह के बारे में बताऊंगा, बहुत कुछ बताना है स्टूडेंट्स, लेकिन ये आपका पहला वीडियो है, इसमें चलिए हम लोग जो मोटे मोटे तौर पर जो मुख्य बातें हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आदिवासी समाज की जब हम बात करते हैं तो बिरसा भगवान को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। बिरसा भगवान को देख सकते हैं यहाँ पे आप, एक तस्वीर है, ये तस्वीर स्टूडेंट्स आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को देखिए, ये तस्वीर है बाबा तिलका मांझी का, ये 1855 का संथाल विद्रोह। स्टूडेंट्स आप याद कीजिए, 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसको हम लोग भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं स्टूडेंट्स, उसके 2 साल पहले आदिवासियों ने 10,000 का जो है जंगल की फौज तैयार करके अंग्रेजों का सामना किया था। स्टूडेंट्स इतिहास में इन लोगों की जो कुर्बानी है, इसको यदि हम लोग भूल जाएंगे तो आदिवासियों के साथ अन्याय होगा। स्टूडेंट्स इसमें लगभग 2,000 के आसपास संथाली मारे गए थे, तो स्टूडेंट्स इसको भूलना नहीं है स्टूडेंट्स हम लोगों को। ठीक है, वर्तमान में हम लोगों को जीना जरूर है, लेकिन अपने इतिहास से भी जुड़कर आना है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को जाननी है, बिरसा मुंडा के बारे में तो हम बताएंगे ही, तो इसके बारे में अगले वीडियो में हम बिरसा मुंडा जी के बारे में विशेष करके बताएंगे। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ एक तस्वीर है, ये भी आपके पाठ्य पुस्तक में है। देखिए कितने साधारण लोग हैं, आप जो हैं अच्छे से अच्छे थाली में खाना पसंद करते हैं, ये पत्तों की थाली में खाना पसंद करते हैं। देखिए जंगल से ये पत्ते ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, इसको थोड़ा बहुत बेचेंगे, इससे कुछ इनको आय की प्राप्ति होगी। तो स्टूडेंट्स आदिवासी समाज ना सिर्फ सहज होता है, ना सिर्फ सरल होता है, बल्कि अपनी आवश्यकताओं को भी कम रखा है, और इनके कारण ही आज प्रकृति बची हुई है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इन बातों को। तो इसी तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना है, और इसके बाद में हम लोग देखिए और भी है कुछ कुछ इसमें हम लोगों को देखना है। तो देखिए इसमें झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बिरसा मुंडा जी के बारे में पढ़ेंगे, हम तिलका मांझी के बारे में भी पढ़ेंगे, हम सिद्धू कानू चांद भैरव के बारे में भी पढ़ेंगे, हम तेलंगा खड़िया के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से इस चैप्टर में बहुत कुछ है, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, खरवार विद्रोह, बिरसा का उलगुलान, ना जाने क्या बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से अब मुझे लगता है कि इस चैप्टर को मुझे यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए, आपको अगले वीडियो का इंतजार करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आदिवासियों की अपनी अर्थव्यवस्था होती है जो जंगलों पर निर्भर होती है। देखिए यहाँ जंगल पर निर्भर लोग कितने सहज तरीके से ये लोग जो है कि रस्सियों के माध्यम से जो है चटाई का निर्माण कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक खाट बुना जा रहा है। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स सच पूछिए तो आज प्लास्टिक का जमाना हो गया, आज जो है पॉलीथीन का युग हो गया, हम लोग पर्यावरण को कितना दूषित करते हैं, और ये आदिवासी समाज जो है कितना एक प्रकार से हमारी जो पर्यावरण है उसको भी बचा करके रखे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स जानने के लिए बहुत कुछ है, और मैं आपको दूसरे वीडियो में भी बहुत कुछ बताऊँगा, अभी फिलहाल आप यहीं पर फोकस रहिए। देखिए क्या आपको ये तस्वीर देख के तकलीफ नहीं लगती स्टूडेंट्स, जरूर लगनी चाहिए। देखिए एक बच्चे की माता, उसके पास कोई मतलब कितनी सादगी वाला वस्त्र है, और सच पूछिए तो वस्त्र कम ही है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो अपनी धुन में है, वो अपने जीवन शैली से खुश है। तो क्या ऐसे लोगों को हमें कष्ट पहुंचाना चाहिए स्टूडेंट्स, कभी नहीं। ये आदिवासी समाज जो है अपनी जीविका वनों से प्राप्त करते हैं और वनों पर ही निर्भर रहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हम लोग इसमें कुछ और शब्दावली भी है, उसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। जैसे जनजाति को हम लोग अंग्रेजी में ट्राइबल्स बोलते हैं, जनजातीय रीति रिवाज को रिचुअल्स बोलते हैं, रिचुअल्स ऑफ एंड कस्टम्स ऑफ ट्राइब बोलते हैं, जनजातीय समुदाय को हम लोग ट्राइबल सोसाइटीज बोलते हैं, और दीकू शब्द भी एक आएगा स्टूडेंट्स, दीकू जिसको आउटसाइडर्स बोला जाता है, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको और भी विस्तार से बताऊँगा। तो चलिए अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देता हूँ स्टूडेंट्स, आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और मैं उसमें और सारी बातें जो है इस चैप्टर से संबंधित विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। अभी के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, और ठीक है,
और इस चैप्टर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ।